हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रशांत ठाकुर और आज हम डिस्कस करने आए हैं पीपीई किट को कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको पहनना है और कैसे स्टेप बाय स्टेप आफ्टर द यूज उसको उतारना है। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, फर्स्ट आई वांट टू टेल यू सम बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स। आपके पास हमेशा जब भी आप पीपीई किट पहनना चाहते हैं आपको एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, साथ में आप को सैनिटाइजर या फिर हैंड रब करने के लिए या तो सोप वाटर वगैरह होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी एसेसरीज यदि आपने बियर किया है लाइक वॉच, इसको उतार दीजिए और एक सिक्योर प्लेस में रख दीजिए। यदि आपने रिंग्स वगैरह पहनी हुई है इसको निकाल दीजिए, क्योंकि आप इन जब इनको स्टरलाइज यदि करते हैं तो स्टरलाइजर इतने आसानी से हर जगह जाएगा नहीं, चांस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। इसलिए आपको भी पता होगा कि जितने भी हमारे एसेसरीज हैं लाइक चेन, ईयर रिंग यदि फीमेल्स ने पहना हुआ है, आजकल लड़के भी पहनने लगे हैं, यस, और जो भी आपके पास रिंग्स है ये सब आपको उतार देना है ना। और बेसिक कोशिश करना है कि जब भी आप इसे फील्ड में जाते हैं तो लाइक आपको ऐसे जो आपके मतलब लाइक कहना चाहिए लोअर वगैरह है ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, टाई वाले सूट वाले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। ऐसा क्यों कि आफ्टर द यूज आप इसको तुरंत डिस्कार्ड या वॉश कर सकें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने सूट तो पहना है पर ये लोअर पहना हुआ है, इधर टी शर्ट पहनी हुई है, ऊपर गाउन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने ये रिमूव कर दिया, इसके बाद आपके मोबाइल एसेसरीज ये सब आपने निकाल दिया, क्योंकि पीपी पहनने के बाद आप इसको यूज नहीं कर सकते, चांस ऑफ कंटामिनेशन, चांस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। और जैसे ही आपने सभी एसेसरीज आपके रिमूव कर दी, इसके बाद आपको सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ सैनिटाइजर, एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से हैंड रब करना है, सैनिटाइज करना है। यस, सबसे पहले आपको मालूम है ओवर द हैंड, अच्छी तरीके से आपने हैंड सैनिटाइज कर ली। यस, मैंने सैनिटाइजर ज्यादा लिया था इसलिए दो बार रिपीट कर दिया, बट लास्ट आपको रिस्ट को क्लीन करना है और अब आपके हैंड शुड बी ड्राई, आपके हाथ ड्राई हो जाना चाहिए। अब आपको सबसे पहले क्या पहनना है, जो आपके असिस्टेंट होंगे वो सबसे पहले आपको गाउन पहनाएंगे। ओके, डिस्पोजेबल गाउन, नो जाइए। गाउन को पहनना कैसे है देखिए, हाँ यस, ये सामने से पीछे की ओर जाना है, ये ऐसा आपकी जो असिस्टेंट है उन्होंने भी ग्लव्स पहना हुआ है। गाउन जो आपको पहनना है विदाउट कैप और विदाउट फुल कवर पहनना है। इसके बाद आप मास्क पहनेंगे, मास्क आपका N95 मास्क होना चाहिए। यस, ये मास्क को कैसे आप देखेंगे, सबसे पहले जो मास्क है आपका यस लाइक दैट, यस आपका मास्क एकदम सही होना चाहिए। मास्क आप कैसे पहनेंगे, सबसे पहले आपने इसको ऐसा लिया, यहां से इसको ऐसा होल्ड किया और ये वाला जो है ये इसका जो एक इलास्टिक है ऊपर वाला ये आपके ऑक्सीपिटल बोन में बैठेगा, ऑक्सीपिटल कराइटल टेम्पोरल में, और ये नीचे वाला थ्रेड है ये आपके नेक में रेस्ट करेगा। और इसके बाद आप यहां से विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स एंड थंब इसको ऐसा कंप्रेस करेंगे जिससे टाइटली फिट हो जाए। इसके बाद आप फिट टेस्ट करेंगे कि ये सही से मार्क सही से है कि नहीं, आपके साइज का है कि नहीं, फिट टेस्ट हम एक अलग से डिस्कस करेंगे। ओके, ये N95 मास्क 95% माइक्रोऑर्गेनिज्म एरोसोल की एंट्री को रोकता है, वायरस वगैरह को रोकता है, इसलिए सबसे अच्छा है, बट आज कमी बहुत ज्यादा है तो आप 3-ply के मास्क भी पहन सकते हैं। यदि आपके पास फिट टेस्ट करने के लिए नहीं है या
आपके स्पेसिफिक साइज का नहीं है जो कि आप फिट टाइप से कर सकते हैं, तो आप एक और माल थ्री प्लाई वाला पहन सकते हैं, एक और माल दे लीजिए, इससे आपको डबल सेफ्टी हो जाएगी। थ्री प्लाई मास्क जो सर्जिकल मास्क है ये भी अच्छा होता है, पर इससे सिर्फ 80% ही प्रोटेक्शन मिलता है क्योंकि ये लूज फिटिंग होता है और N95 टाइट फिटिंग। इसके बाद हमने डबल सिक्योरिटी के लिए एक और मास्क पहन लिया N95 मास्क और इसको भी सिक्योर कर लिया। ओके, हमने सबसे पहले गाउन पहना विदाउट कैप विदाउट फूट दिया, फिर मास्क पहना फिट टेस्ट कर सकते हैं। अब आप गॉगल पहनेंगे, गॉगल ले लीजिए। यस, गॉगल आपको कवर से यूज़लाइज है, इससे आपको उसको पहनना है। ओके, अब आप कैप पहनेंगे, हेड कैप। यस, थैंक यू। इसमें असिस्टेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, इससे ये आपका ईयर भी इसमें कवर हो गया कैप में। अब आप फुट वियर पहनेंगे, आपने सबसे पहले एक और बार फिर से बता रहा हूं, गाउन पहना मास्क पहना गॉगल पहना हेड कैप पहना फुट वियर पहना कवर फुट कवर। अब आप ग्लव्स पहनेंगे, दो सर्जिकल पेयर ग्लव्स। बस आ गए, थैंक यू। ये देखिए काफी लॉन्ग ग्लव्स है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, काफी बड़े हैं, ये जो आपका ग्लव है ये आपके गाउन के ऊपर तक जाएगा, पूरा इसको कवर करेगा। जैसा कि मैं कर रहा हूं, ये चूंकि बड़े ग्लव हैं, फंस रहे हैं, इसके लिए मैंने इसको मदद ले लिया है, ये बार हैंड से टच कर लिया, पर ऐसा नहीं करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कई बताते हैं, एक और पहन लेते हैं, आप देख रहे हैं ये ग्लव मैंने गाउन के ऊपर तक कवर कर लिया, क्योंकि मैंने पहले इसको नॉर्मल हैंड से ग्लव को टच कर लिया था, इसलिए एक बार मैं फिर से इनको स्टरलाइज कर लेता हूं डबल सेफ्टी के लिए। ठीक है, अब इसके बाद में एक और ग्लव पहनूंगा सर्जिकल ग्लव, ये रखते हुए वेरी गुड। ये सर्जिकल ग्लव में एक राइट हैंड का है एक लेफ्ट हैंड का है, ये देखिए दिखाइए, राइट। इसको भी मैंने ऊपर तक इसको करा लिया है। यस,
यस, इनको प्रॉपरली सिक्योर कर लिया है। यस, ये जो आपने ऊपर वाला जो ग्लव्स पहना है, इसके अंदर जो एक और ग्लव्स है वो इसके अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि अंदर वाला जो ग्लव्स है वो काफी बड़ा है। ये दिस इज ऑल अबाउट द स्टेप्स ऑफ वियरिंग पीपीई किट। जैसे सबसे पहले आप जो ग्लव्स है आउटर ग्लव्स उसको निकालेंगे। आउटर ग्लव्स कैसे निकालना है? यस, इनर टू आउटर। सबसे पहले ये जो है आप ऐसा भी निकाल सकते हैं या यहां इनर टू आउटर, यस लाइक दिस, एक लेयर, यस यस इनर टू आउटर, यस। सबसे पहले हमने वन लेयर ऑफ ग्लव्स को निकाल दिया क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंटेमिनेशन होने के चांस थे, और अब इसको रेड बिन में डालेंगे। अब आपके पास जो रेड डस्टबिन होना चाहिए वो फूट ऑपरेटेड होना चाहिए। यदि फूट ऑपरेटेड नहीं है तो आपके जो असिस्टेंट है, यस, वो इस रेड बिन को कैसे हटाएगी? इसका ये बॉक्स हटा दीजिए, ऊपर से हाथ फूट वगैरह रख दीजिए, इसको भी हटाइए। यस, आप देख रहे हैं यहां पर मेरे पास तो कलर कोडेड डस्टबिन, एक रेड येलो, येलो हाईली कंटामिनेटेड है, रेड में मुझे ग्लव डालना है, ये ग्लव डाल दिए। ओके, नाउ अब मुझे, मैंने सबसे पहले क्या पहना था? गाउन पहना था, मास्क पहना था, गॉगल पहना था, हेड कैप। ओके, तो अब मैं सबसे पहले कैप निकालूंगा, कैप, यस, इस कैप को येलो डस्टबिन में डाल दूंगा। ओके, पहले मैंने मास्क, पहले ग्लव्स निकाला, फिर हेड कैप निकाला, फिर मुझे गाउन निकालना है। इस गाउन को, ये जो फुट कवर है, दोनों को एक साथ निकालना। इसके दो तरीके हैं, या तो इसका पीछे का तरीका आप कटवा दें, या यहां से पकड़ के इसको देख लें, ये आसानी से पीछे से टूट जाएगा बहुत इजीली, या फिर आप इसको ऐसा कट करवा सकते हैं। हाँ, ये पॉइंटेड थ्रेड है, यस, इसका एक तरीका ये, या दूसरा तरीका ये कि आपने आउटर पे ऐसा कर दिया, यस ये निकाला, यस इसको प्रॉपर तरीके से स्मॉल वॉल्यूम में सिक्योर कर लिया, यस येलो डस्ट कर। इसके बाद आपके जो फूड कवर है इसको भी येलो डस्ट, इसके बाद आपको जो आपने गॉगल्स पहना है उसको यहां से, ये जो आपको दिख रहा है यहां से आप उसको निकालिए और इसको दूसरे डस्टबिन में, या आप इसको रीयूज कर सकते हो स्टरलाइज करके, क्लीन करके, डिसइंफेक्ट करके, अदरवाइज आप इसको भी येलो डस्टबिन में डाल सकते हो। इसके बाद अब आपको मास्क निकालना है। मास्क कैसे निकालना है? देखिए, ये जो आपको स्प्रेड दिख रहा है, सबसे पहले थ्री लेयर मास्क इन येलो डस्टबिन। नाउ ये जो आपको दिख रहा है ये, फिर देन ये आपको यहां से नहीं पकड़ना है, उसके बाद आपने इसको येलो डस्टबिन में डाला। अब आपके, आपने सब कुछ निकाल दिया, अब आपको सिर्फ ग्लव्स निकालना है। ग्लव्स कैसे निकालना है ध्यान दें, आपको इनर टू आउटर ये लेना है, यस ठीक है। अब देखिए बड़े ध्यान से, ये यहां से अंदर, यस ठीक है, ये मास्क, ये ग्लव्स भी आपने निकाल दिया, इसको भी येलो डस्टबिन में। आप देख रहे हैं, जबकि मैं अभी इसको जो रिकॉर्ड कर रहा हूं
एसी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके बाद भी काफ़ी सीवियर सेटिंग हुई है। मतलब आप समझिए, ग्राउंड लेवल में जब डॉक्टर काम कर रहे हैं उसको कितनी सेटिंग होती हुई है, डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ। इसके बाद आपको हैंड सैनिटाइज करना है प्रॉपर स्टेप में, जो कि आप जानते हैं। यस, ये पीपी किट आपने उतार दिया। ऑलवेज रिमेम्बर, वेन एवर यू रीच एट योर होम, जब भी आप अपने घर पे जाते हैं, आपको जो एप्रन आपने पहना है, जो डिस्पोजेबल या फिर आसानी से भी आप कंटामिनेट कर सकते हैं इनको, तो इनको आसानी से आप डिस्कार्ड कर दें या फिर इनको तुरंत वॉश कर लें। इनको आपके बेडरूम में अंदर नहीं लेकर जाना, जैसे ही आप घर पहुँच रहे इसको तुरंत उतारिए और इसको वॉश करिए या फिर इसको डिस्कार्ड कर दीजिए। सो हैंड्स ऑल अबाउट दी स्टेप्स ऑफ वेयरिंग पीपी एंड रिमूवल ऑफ पीपी किट। थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको पसंद आया होगा। जो भी आपकी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। थैंक यू, जय हिंद।